है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं? उदयपुर। उदयपुर राजस्थान। क्या परेशानी हुई आप? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। किसने बोला रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा? डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर्स ने बोला। क्या क्या परेशानी होती है? रात में दिखने में और दिन में दिखने में, मतलब पूरा टाइम सेंट्रल विजन में बहुत प्रॉब्लम होता है। सेंट्रल विजन में प्रॉब्लम है और नाइट विजन में प्रॉब्लम? नाइट विजन में भी प्रॉब्लम है। है ना, तो नाइट विजन में कितने सालों से प्रॉब्लम है? 4-5 साल से। 5 साल नाइट के अलावा दिन में कब से प्रॉब्लम? शुरू से ही, मतलब शुरू से साथ में ही है दिन? हाँ, में साथ में दिन में ही है। तो चश्मे का नंबर कब से लगाया? उस टाइम लगा था, मतलब पहले भी था मुझे चश्मा। पहले कब था चश्मा आपको? 2012 में था, तब ऑपरेशन किया था मैंने। कौन सा ऑपरेशन किया था? लेसिक का किया था। लेसिक? तो लेसिक ऑपरेशन 2012 में कराया, उसके बाद कब से परेशानी शुरू हुई आपको? 17 के आखिर में हो गई, 18 के आस पास। 5 सालों बाद आपको नाइट में परेशानी होना शुरू हुई। तो 2017 सन में आपको रात में दिखना कम हो गया। हाँ, है ना। हाँ, और वो सडनली एकदम आपको चालू हुआ? हाँ। कितना, एक आध महीने में एकदम कम हो गया? एक आध महीने में, 20 दिन में कहा तो भी चलेगा। अच्छा, 20 दिन में एकदम रात को दिखना कम? हाँ, हुआ। और धूप में दिन में दिखना? पहले ठीक ठाक दिखता था। हाँ, बाद में अभी तो वो भी। कितने समय से? 1.5-2 साल से। 2 साल से आपको धूप में दिखना कम हो गया। हाँ। कोई चीज़ को फोकस करते हैं वो आप कर लेते हैं या नहीं दिख पाते? नहीं, फोकस नहीं कर पाता। फोकस नहीं होती है दूर की चीज़ें भी? हाँ, टेढ़ा आँख करके ऐसा कुछ करके, आँख टेढ़ा करके, सिर टेढ़ा करके देखना होता है, है ना। हाँ, तो ये अभी सब 1.5 साल से ही हो रहा है? हाँ, 1.5 साल से हो रहा है। अच्छा, गाड़ी ड्राइव करने में? गाड़ी दिन में चलो तो थोड़ा सा ही चलो, तो ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, क्यों? प्रॉब्लम आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं इतना। कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लगता है टक्कर हो जाएगी। हाँ, टक्कर हो जाएगी। एक ही लेन में गाड़ी चलने पड़ते हैं तो बहुत कुछ रहते हैं, बहुत स्लो स्लो गाड़ी चला। कितने सालों से ये स्थिति है? ये भी 1.5-2 साल से ही बहुत, उसके पहले चलाता था। हाँ, पर अभी बहुत ही, मतलब प्रॉब्लम। तो 1.5 सालों से मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ, दिन पर दिन आप परेशान होते जा रहे हैं। इवन आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी प्रॉब्लम होने लगी है। कब से हो रही है प्रॉब्लम? ये 4-5 सालों से ही। 5 सालों से आप सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं? अकेले भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से डर लगता है? थोड़ा बहुत जाता हूँ, नहीं के टाइम में, रात में नहीं। दिन में भी आपको डर महसूस होता है कि आप निश्चिंत होकर चलते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा डर लगता है चलते समय, कॉन्फिडेंस? हाँ, कम रहता है। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अलग जगह पे गया तो थोड़ा। घर में आराम से घूम फिर लेते हैं? हाँ। खाना उठाने करने में दिक्कत तो नहीं होती टेबल पे से? कभी कभार हो जाती है। कभी होती है, सामान गिर जाता? नहीं, ऐसा कुछ खाने में क्या ऐसा समझ में नहीं आता, देखना पड़ता है गौर से। परेशानियाँ बहुत हैं, देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। महेंद्र जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आँख का, और आप देख रहे हो कि आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट दिखता है, उसके अलावा आसपास में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब टोटली आपका पेरिफेरल विजन लॉस है, और यही कारण है कि आपकी आंखों में बाइनोकुलर विजन नहीं है। दोनों आंखों से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इस कारण आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने का कॉन्फिडेंस नहीं है। सड़क पे गाड़ी चलाएंगे तो आपको गड्ढे और स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते हैं, तो उसी कारण से आपको जो डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वो उसका मुख्य कारण ये पेरिफेरल विजन खत्म होना है। देखें लेफ्ट आंख में क्या दिखाई पड़ रहा है। महेंद्र जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, इसमें भी काफ़ी कम हो गया है। अपर साइड 2.3 इंच, लोअर साइड 2 इंच, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंच, राइट हैंड साइड पे 2.1 इंच बचा है। ऑन एन एवरेज 2.1 इंच आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। जिंदगी में सारी समस्याओं की जड़ यह पेरिफेरल विजन कम होना है। हम प्रयास करेंगे कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़े और आप नॉर्मली वर्क कर। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। कैंप प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। महेंद्र जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, बहुत सारी बधाई हो आपको। फर्स्ट डे जब यहाँ आप आए थे तो आपको क्या दिखता था? सिर्फ सेंटर पॉइंट, है ना। आसपास का जो सेकंड पॉइंट अपन चलाता थे, जो पेरिफेरल विजन चेक करते थे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं देता था। जिंदगी की ये कामयाबी और सावन के सोमवार के बाद आपको जो रोशनी आई है, बहुत सारी बधाई हो। आपकी नज़र करीब करीब 4.5 इंच हो गई है।
है ना, 4.5-5 inch राइट आंख में बड़ी पेरिफेरल, वो पेरिफेरल विजन जो जीरो था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो ऊपर 4.6 नीचे 4.5 राइट में 5 inch और लेफ्ट में 5.1 inch हो गया है। बहुत सारी बधाई हो आपको और परिवार को, उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि पेरिफेरल विजन जीरो होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, है ना, जो परेशान होते रहते हैं कि अब दुनिया में इलाज नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमको ब्लाइंड होना ही है। बहुत सारी बधाई हो कि आपका पेरिफेरल विजन फिर पुनः आना शुरू हो गया। महेश जी बहुत सारी बधाई हो, आप सावन का ये महीना आपके लिए खुशियों की सौगात दे के गया है, आप उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी में आए और आपको पेरिफेरल विजन आपके जो आंखों का खत्म हो गया था, जीरो हो गया था, वो ये पेरिफेरल विजन आज लेफ्ट आंख में भी आप करीब करीब 3 inch से ऊपर हो गया है, ऊपर 2.9 नीचे 3.3 राइट हैंड साइड पे 3.5 और लेफ्ट हैंड साइड पे 3.1 inch हो गया है। जिंदगी की ये जीत, ये सौगात आपको बहुत सारी बहुत बहुत मुबारक हो के आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हो गई। पेरिफेरल विजन खत्म होने से जिंदगी में जो परेशानी आती थी उसी के कारण आप पूर्णतः अपाहिज हो सरीके हो जाते हैं और सूरदास सरीके जिंदगी काटते हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आंखें आपकी सुंदर हैं लेकिन उससे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। आज आपके जीवन में 2 change आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपने विश्व पेरिफेरल विजन जो जीरो था वो एक आंख में 3 inch ही आया, दूसरी आंख में उससे ज़्यादा फर्क आया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय, आई रीडेवलपमेंट सेंटर।